पीर की मज़ार और हिंदू की भूमि, ये मामला आखिर है क्या? क्या ये मामला कोई सियासी मामला है? क्या ये मामला अवैध निर्माण का मामला है? क्या ये मामला भूमि पे कब्जा करने का मामला है, या बात कुछ और ही है? करेंगे आज खबर का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, अंकुर अग्रवाल के साथ आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डेस्क में। मैं आज बात कर रहा हूं ऋषिकेश के वार्ड नंबर 37 में बनी एक अवैध मज़ार के बारे में। ये मज़ार कोई ऐसी क्षेत्र में नहीं है जो इस समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र हो। ये मज़ार न किसी ऐसी भूमि पर बनी है जो इस समुदाय को समर्पित भूमि हो। ये मज़ार बनी थी एक हिंदू परिवार की भूमि पर। आखिर मामला है क्या? एक हिंदू परिवार की भूमि पर पीर की मज़ार होने का मतलब है कि यानी मामला संगीन है। बताते हैं आपको। ऋषिकेश के वार्ड नंबर 37 में जो मनसा देवी का क्षेत्र है, वहाँ पर आज हिंदू संगठन मज़ार तोड़ने पहुँचे। उन संगठन का कहना था कि यह मज़ार अवैध रूप से बनवाई गई है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब हमने वहाँ उस भूमि के जो मालिक हैं कृपाल सिंह नेगी, उनसे बातचीत करी, उनका कहना है कि आज से 7-8 साल पहले जब वो किसी पारिवारिक समस्या से गुजर रहे थे तो उनसे कहा गया कि अगर वो अपनी भूमि पर एक मज़ार का निर्माण करा लेंगे तो वो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। यानी कि मामला डराने धमकाने का है। अगर इस एंगल को थोड़ा सा हटा भी दिया जाए तो दूसरा एंगल निकल के सामने आता है कि अवैध निर्माण इस भूमि पर हुआ और प्रशासन इतने दिनों से मौन था, या प्रशासन को जानकारी ही नहीं थी कि उस भूमि पर कोई मज़ार भी बन चुकी है जिस पर चादर भी चढ़ाई जाती है, जिस पर नमाज भी पढ़ी जाती है। आज जब हिंदू संगठन वहाँ पर हथौड़ा लेकर पहुँचे तो प्रशासन के भी कान खड़े हो गए कि आखिर मामला क्या है। ऋषिकेश में हिंदू संगठन इतने एक्टिव हो गए तो प्रशासन को भी लगने लगा कि आखिर इतनी मज़ारें ऋषिकेश में निकल कैसे रही हैं, घर घर में मज़ार का निर्माण आखिर किसने करा दिया। मामला अवैध कब्जे का है। हिंदू संगठन ने बकायदा जिनकी वह मज़ार थी उनसे एक अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर लिए। वो अनुमति पत्र भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से मज़ार को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी रिपोर्ट किस तरीके से कार्य शुरू किया गया, कैसे कैसे वहाँ पे लोग पहुँचे, वो मज़ार तोड़ने का कार्य कैसे शुरू हुआ, इस पूरी रिपोर्ट में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाने वाले हैं। ऋषिकेश के मनसा देवी क्षेत्र में आज एक अवैध मज़ार को हिंदू संगठनों के माध्यम से तोड़ दिया गया। यह मज़ार कृपाल सिंह नेगी नाम के व्यक्ति की जमीन पर बनी हुई थी, जिन्होंने बताया कि आज से 7-8 साल पहले कुछ पारिवारिक समस्या के कारण उनको इस मज़ार का निर्माण करवाना पड़ा। एक भ्रम में आकर और किसी सामाजिक दबाव में आकर उन्होंने इस मज़ार का निर्माण कराया, जिसे आज स्वेच्छा से उन्होंने तोड़वा दिया। मज़ार ध्वस्त करने पहुंचे हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाकर मज़ार को ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले संगठनों ने मज़ार के अंदर चढ़ी हुई चादरों को बाहर निकाला और उसके बाद हथौड़ों से मज़ार को तोड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले भी संगठन के माध्यम से 2 मज़ारों को तोड़ा जा चुका है और आज 3 और मज़ारों को तोड़ने का कार्य हिंदू संगठनों ने ऋषिकेश के मनसा देवी क्षेत्र में किया है। बता दें कि मज़ार के अंदर जिस स्थान पर अगरबत्ती जलाई जाती है उस स्थान पर कुछ नशे की सामग्री भी पाई गई, जिसके बाद हिंदू संगठन और विरोध में आ गए और उस मज़ार को तोड़ दिया। मज़ार तोड़ने पहुँचे हिंदू संगठनों ने सबसे पहले जिसकी भूमि पर वह मज़ार बनी थी उनसे अनुमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाए। पत्र के माध्यम से कृपाल सिंह नेगी ने कहा कि आज जो मज़ार हिंदू संगठन के माध्यम से तोड़ी जा रही है इसमें उनकी पूरी सहमति है तथा कोई भी इस मज़ार को तोड़ने के लिए दोषी नहीं है। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि हम लोग लैंड जिहाद को ख़त्म करेंगे, जितने भी अवैध निर्माण हैं उन पर कानून का शिकंजा कसेंगे, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो इस पर क्या किया जा सकता है। जो निर्णय आज हिंदू संगठनों ने लिया, ये निर्णय किस स्तर तक उचित है इसकी बात तो मैं आज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर ये मामला डरा धमका कर निर्माण कराने का है, आस्था से खिलवाड़ करने का है, धर्म के साथ छेड़खानी करने का है तो इस पर सवाल ज़रूर उठता है। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क।